अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने फिल्म हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। रिपोर्टेडली मुंबई की फिरोज नाडियाडवाला के एम्पायर स्टूडियोज में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है। फिल्म की डायरेक्शन की जिम्मेदारी फरहाद सामजी को दी गई है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि अक्षय कुमार के लिए फिल्म में कुछ बदलाव किए गए हैं। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर कर एक मीडिया हाउस पर गुस्सा दिखाया था, जिसने उनकी बिना परमिशन के फोटो खींच कर शेयर की थी। आलिया ने एंग्री पोस्ट भी लिखा था और मुंबई पुलिस को टैग कर एक्शन लेने की बात कही थी। अब मुंबई पुलिस ने संदर्भ में आलिया से संपर्क किया है। आलिया की बिना इजाजत के चोरी छुपे फोटो लेने वालों पर आलिया के घर वालों और कई सेलेब्स का गुस्सा फूटा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसे शेमफुल बताया है। हाल ही में न्यूलीवेड्स कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। कियारा को बिना मंगलसूत्र और सिंदूर के देख लोगों को उनका ये लुक पसंद नहीं आया और उन्हें ट्रोल कर दिया। टाइगर श्रॉफ ने इंस्टाग्राम पर अपनी अपकमिंग फिल्म गणपत का टीजर रिलीज किया है, जिसमें वो एक्शन करते हुए नजर आए। ये फिल्म दशहरा के मौके पर इसी साल 20 अक्टूबर को रिलीज होगी। अजय देवगन और काजोल की बेटी नीसा देवगन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बच्चों को एजुकेशन के बारे में बताती नजर आ रही है, लेकिन हिंदी बोलने में कई बार लड़खड़ा रही थी। हिंदी सही तरीके से ना बोलने पर नीसा को लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फनी वीडियो शेयर किया है, जिसमें शक्ति कपूर बेटी के न्यू सॉन्ग शो मी द ठुमका पर डांस करते नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार ने तोड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 3 मिनट में 184 सेल्फी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम कराया दर्ज। इससे पहले 168 का रिकॉर्ड था। करीना कपूर और सैफ अली खान के छोटे नवाब जे अली के बर्थडे सेलिब्रेशन का इनसाइट वीडियो और फोटो सामने आया है, जिसमें सब खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं। रणबीर कपूर ने अपनी फिल्म एनिमल की शूटिंग पूरी कर ली है, जिसकी रैप अप पार्टी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में रणबीर खूब डांस करते नजर आ रहे हैं।